तबला और उसकी अंग। सर्वचलित सर्व प्रचलित वाद्य यंत्र तबला, आज उसके अंग पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संगीत वाद्यों की दृष्टि से हमेशा से समृद्ध है। अति प्राचीन काल का समय भी वाद्य यंत्रों से भरा हुआ था। हमारे प्राचीन संगीत मनीषियों ने समस्त वाद्यों को चार भागों में वर्गीकृत किया। इनकी विस्तृत चर्चा हम संगीतमाला में कर चुके हैं और तालमाला के पहले भाग में तबला के जन्म को लेकर चर्चा भी थी। आज इस भाग में तबला और उसके अंग पर हम चर्चा करते हैं। तबला दो नगीय या वाद्य है, यानी कि इसके दो हम देखते हैं तबले में, एक दाया या डग्गा जिसे कहते हैं, दूसरा तबला या दाहिना, मिलाकर तबला जोड़ी कहलाता है। इस दाएं और बाएं तबले को अब हम इस प्रकार समझें, दाहिना तबला। तबला जोड़ी का वह भाग जो दाहिने हाथ से बजाया जाता है उसे दाहिना या केवल तबला कहते हैं। कुछ कलाकार बाएं हाथ से भी बजाते हैं परंतु फिर भी वह दाहिना ही कहलाता है। उसके मुख्य अंगों का विवरण देखिए। लकड़ी, दाहिने तबले का जो महत्वपूर्ण अंग सूखी लकड़ी का होता है, जो प्रायः 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा, इसके नीचे का व्यास 18 से 20 सेंटीमीटर तथा ऊपर का 15 से 10 सेंटीमीटर के बीच का होता है। लकड़ी अंदर 3/4 तक खोखली होती है। यह अधिकतर आम, शीशम, नीम अथवा कटहल की होती है। इसके लिए खैर या विजयसार की लकड़ी को बेहतर माना जाता है। छोटे मुख का तबला ऊंचे स्वर के लिए तथा चौड़े मुख का तबला नीचे स्वर के लिए अधिक उपयुक्त होता है। पूड़ी, लकड़ी के मुंह पर मढ़े हुए चमड़े के संपूर्ण भाग को पूड़ी कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्याही, लव, चाटी तथा गजरा आदि आता है। गजरा, पूड़ी के किनारे किनारे चारों ओर चमड़े से गुथी हुई चोटी को गजरा, श्रृंगार या पगड़ी कहते हैं। इसमें 16 छेद होते हैं, उन्हें घर कहते हैं। इसमें बद्धी डालकर पूड़ी को लकड़ी के साथ कसा जाता है। चाटी, पूड़ी के किनारे किनारे तथा गजरे के बाद करीब आधा या पौने इंच चमड़े की एक गोट सी लगी रहती है, जिसे चाटी या किनार कहते हैं। बंगाल में इसे कानी कहते हैं। स्याही, पूड़ी के बीचों बीच और चाटी के करीब एक या पौन इंच दूरी पर गोल आकृति में काले रंग का मसाला लगा रहता है, उसे स्याही, काली या मसाला कहते हैं। यह भस्म के चूर्ण में लेई आदि का मिश्रण से बनता है। लव, चाटी और स्याही के बीच के स्थान को लव कहते हैं। बद्धी, गजरे के छिद्रों से जाने वाली चमड़े की लंबी डोर या पट्टी को वद्धी कहते हैं, उसे पूड़ी लकड़ी से कसी जाती है। गुडरी, तबले के पैदी में चमड़े या पट्टी का एक छोटा घेरा होता है, जिसे बीच से बद्धी लकड़ी या पर पहनाई जाती है, इसे गुडरी कहते हैं। गट्टा,
दाहिने तबले में जो लकड़ी के गोले लंबे टुकड़े पद्धी के नीचे कसे होते हैं उन्हें गट्टे या गुल्ली कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इसमें तबले को उतारने और चढ़ाने में सहायता मिलती है। तबला विभिन्न स्वरों में मिलाया जाता है, इसलिए गट्टों की बहुत आवश्यकता हमेशा रहती है। अब हम डग्गा या बाही बायां की चर्चा करें। तबला जोड़ी का यह भाग दाहिने की अपेक्षा कम ऊंचा, बीच का भाग अधिक आकार यानी व्यास का होता है। इसका मुख दाहिने की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20-22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कूड़ी, अब इसके अंग देखिए। कूड़ी, जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी होती है उसी प्रकार बायां में कूड़ी होती है। इसी पर चमड़ा मड़ा होता है। पहले यह अधिकतर मिट्टी का गोल आकार का बना होता था और मिट्टी का बहुत मधुर माना जाता है आवाज़ के लिए, परंतु सरलता से फोड़ जाने का डर इसमें होता था, जिस कारण तबला पीतल या लोहे एल्युमिनियम इत्यादि का इसे बनाया जाने लगा। कभी कभी यह लकड़ी का भी देखा जा सकता है, परंतु उसकी आवाज़ अच्छी न होने से वह प्रचार में नहीं है। पूड़ी, कूड़ी के मुख पर चमड़े से लगे हुए संपूर्ण भाग को पूड़ी कहते हैं। दाहिने के समान बाएं की पूड़ी में भी गोल मैदान तथा स्याही आदि का समावेश होता है। गोट, पूड़ी के अंदर किनारे किनारे लगी हुई चमड़े की पट्टी को गोट कहते हैं। यह दाहिने तबले की चांटी के समान होता है, परंतु उससे कुछ अधिक चौड़ा होता है और इसका उद्देश्य मुख्य खाल की रक्षा करना है। स्याही, पूड़ी के एक किनारे तथा गोट के कुछ स्थान छोड़कर करीब 2.5 या 3 इंच का गोला काला मसाला लगाया जाता है, जिसे स्याही कहते हैं। दाहिने की तरह बाई में स्याही बिल्कुल बीच में लगाई नहीं लगाई जाती, वरन मैदान के एक ओर लगाई जाती है। मैदान, गोट और स्याही के बीच के भाग को मैदान कहते हैं। गजरा, जिस प्रकार दाहिने तबले की पूड़ी के चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी होती है, उसी प्रकार बाई में भी गुथी हुई चोटी रहती है, जिसे गजरा कहते हैं। गुड़री, दाहिने के समान बाई में भी बाई की पैदी में भी चमड़े का छोटा गोला माला जैसा रहता है, जिसे बीच से बद्धी या डोरी पहनाई जाती है, उसे गजरा कहते हैं। बद्धी, दाहिने की भांति इसमें भी चमड़े की लंबी पट्टी होती है, उसे बद्धी कहते हैं। इसमें कभी कभी सुविधा के लिए चमड़े की पट्टी के स्थान पर मोटी डोरी का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें लोहे या पीतल के गोले छल्ले उतारने अथवा चढ़ाने के लिए डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार इस भाग दो में हम तबले के अंगों को समझ पाए हैं।